कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं विशाल स्वागत करता हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जिला मैनपुरी में। दोस्तों मैनपुरी का लोहिया पार्क तो आपने सुना ही होगा, ये अपनी चर्चाओं के विषय में तो जाना ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ की जो फैसिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों यही सब देखते हुए मैं आज यहाँ का वीडियो शूट करने आया हूँ, ब्लॉग शूट करने आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको पूरा लोहिया पार्क दिखाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं इस टाइम खड़ा हूँ लोहिया पार्क के गेट के बिल्कुल सामने, और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ लोहिया पार्क पूरा का पूरा फुल व्यू दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में दोस्तों। तो चलिए आइए, मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है यहाँ लोहिया पार्क का मैप। आप इस मैप में देख सकते हैं यहाँ पे एक वाटर पार्क भी है, और यहाँ पे साथ ही साथ एक कैंटीन भी दे रखी है। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप अगर देखते हैं इस पार्क के अंदर तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए, मैं आपको इसके अंदर भी घुमाने वाला हूँ। दोस्तों आज मैं बता दूँ, आज आया हूँ लोहिया पार्क, और आज आपको दिखाने वाला हूँ लोहिया पार्क का फुल व्यू। आपको अगर फुल व्यू देखना है ना, तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना होगा। अगर आपने लोहिया पार्क का फुल व्यू देखा है, पूरा दृश्य देखा है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो आज इस वीडियो के द्वारा आप लोहिया पार्क को पूरा देख सकते हैं। दोस्तों चलिए आइए, मैं लोहिया पार्क के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में, चलिए आगे ले चलते। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं आ चुका हूँ मेन गेट पे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप मेरे पीछे लगे हुए दो बोर्ड, इन पे कुछ चेतावनियाँ भी लगी रखी हैं। तो इस चेतावनी में दिया है कि इस पार्क के अंदर कोई भी फूल वगैरह ना तोड़ें और कोई भी गंदगी ना करें, लेकिन ऐसा लोग यहाँ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो चलिए अब दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा लोहिया पार्क का पूरा दृश्य। तो दोस्तों पूरा दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में। दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो ये हमारे साथ हमारे भैया लोग आए हुए हैं। तो कैसा लग रहा है भैया? अच्छा अच्छा लग रहा है आज। तो चलिए इन भैया के साथ आज हम पूरा लोहिया पार्क घूमेंगे और बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो
यहाँ पे पार्क में शाम के टाइम सब भैया और भाभी ही मिलते हैं, तो इनको चाहिए भाभी ये सब। और जी हमारे भैया देखो जेहू आए थे घूमने, तो भाभी कहाँ है? भाभी अभी आई नहीं, भाभी अभी आई नहीं है। बताओ यार बताओ, ये अलीगढ़ से लेके आया? अलीगढ़ से लेके आएगा, मेरी तो 8 साल में आएगी, मेरी तो 8 साल में आएगी। 8 साल में, ठीक। तो भैया कैसा लग रहा है आज? बहुत अमेजिंग लग रहा है। और भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त का नाम भाई, ओके हाँ भाई। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग जल्दी से जल्दी करें सब्सक्राइब। और देखिए भैया पीछे सब कुछ बहुत अच्छा व्यू भाई, सभी भैया बिल्कुल आप पीछे देख सकते हैं भैया कितना अच्छा व्यू, लोहिया पार्क का व्यू देख सकते हैं आप, कितना अच्छा स्विमिंग पूल आ रहा है हमारे पीछे, दूर तक देख सकते हैं बहुत अच्छा पानी, पानी पानी बहुत गंदा गंदा है इसमें पड़ा के। जैसा कि दोस्तों इस पार्क को लोहिया पार्क के नाम से जाना जाता है, तो आइए हम आपको लोहिया जी से मिलवाते हैं। ये हमारे पीछे आप एक प्रतिमा देख रहे हैं, ये हमारे लोहिया जी की है, इन्हीं के द्वारा ये पार्क निर्मित किया गया था और आज इन्हीं के द्वारा ये जाना जाता है, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो आप ये घास वगैरह देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, आप कभी जब भी आप घूमने आएंगे तो आपको शाम के टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी और बहुत सारे लोग भी मिलेंगे। बट दिन के टाइम क्या होता है कि दिन के टाइम बहुत सारे कम लोग होते हैं और शाम के टाइम फैमिली कुछ ज़्यादा आती है, जो भी आते हैं फैमिली मेम्बर ही आते हैं, पर दिन के टाइम फैमिली मेम्बर नहीं आते क्योंकि शाम को थोड़ा ठंडा। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और इससे अच्छी वीडियो आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो इससे अच्छी मिलने वाली दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाएं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।